तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की, हिम्मत कैसे हुई मुझे इस रिश्ते से बुलाने की? मुझे मेरी मां की मजबूरी और बेबसी आपकी दहलीज पे ले आई है। वो आप प्लीज उन्हें घर वापस आने की इजाजत दे दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, जिस चीज की वो जिम्मेदार नहीं, आप प्लीज उनको उस चीज की सजा मत दें। जो गुनाह तुम कर चुके हो वो नाकाबिले माफी है। अभी इसी वक्त मेरी नजरों से दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं उफ तक नहीं करूंगा। आप प्लीज अम्मी को माफ कर दें। कसूर नहीं, मेरी बेटी से उसकी खुशियां छीनने वाला भिखारी बनकर अपनी मां की खुशियां मांगने आया मुझसे। जो सलूक हुमैरा ने सायरा के साथ किया मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, दफा हो जाए यहां से। मैं अपनी अम्मी की खुशियों की भीख मांगने आया हूं आपसे, और उसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो हाजिर। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अबू छोड़े, अबू क्या कर रहे हैं? भूल गया तू शायद कि किस तरह तुझे और तेरी माँ को सड़क से उठा के इस घर में लाया। क्या किया तुम बेघर तोने मेरे साथ? एहसान फरामोश। एहसान फरामोशी का इल्जाम लगाने से पहले सिर्फ एक बार अपनी बेटी से तो पूछ कर देख कि हमारे रिश्ते को तोड़ने में इसका क्या किरदार। हर वक्त मुझ पर शक करती है, मेरे किरदार पे कीचड़ उछालती, से बार बार तलाक मांगती। पूछे इससे, ये कौन है, किसकी बेटी है? ये सब जानते हुए भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रिश्ते को खत्म करने की? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ हानियां चाहिए हुई थी। खुदा की कसम है, मैंने अपने रिश्ते को निभाने की भरपूर कोशिश की, अपनी रूह की, अपनी जात की तमाम गहराइयों से। ये सच है कि मैं और हानिया एक दूसरे को चाहते हैं, पर उसके बावजूद भी मैंने अपने रिश्ते में कभी बेईमानी नहीं की, कभी फातिमा को धोखा नहीं दिया, और ना ही कभी हानिया ने यह चाहा कि वो फातिमा की जगह ले ले। दानियाल, अब जब सब रिश्ते खत्म हो चुके हैं तुम यहां क्यों आए हो? क्यों कह रहे हो ये सब? जाओ यहां से। चला जाता हूं और आइंदा के बाद आपके पास कभी नहीं आऊंगा वापस, कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगा। अम्मी ने कोई गुस्ताखी नहीं की सायरा आंटी के घर जाकर, वो आपके हुक्म पे हमें बताए बगैर उनसे माफी मांगने के लिए गई थी, और हानिया इसलिए गई थी उनके साथ क्योंकि अम्मी को सायरा आंटी का घर का पता नहीं पता था।